जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ सीकर के नीमका थाना से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सहित तीन पर मामला दर्ज किया गया है। वार्ड पंच का अपहरण, मारपीट व जबरन हस्ताक्षर करवाने का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर नीमका थाना कोटवाली में वार्ड पंच दुर्गा सिंह ने ये पूरा मामला दर्ज करवाया है। गुड़ा सहित पीए कृष्ण सिंह और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। झुंझुनू के ककराना गांव से है दुर्ग सिंह, जिन्होंने पूरा मामला दर्ज करवाया है। तो वहीं जानकारी दें कि 27 जनवरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सीआईडी टीवी में जांच के लिए भी इस पूरे मामले को भेजा गया है। आपको तय सीकर के नीमका थाना से बड़ी खबर है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सहित तीन पर यह मामला दर्ज करवाया गया है। और देखिए, उन पे मामला दर्ज करवाया गया है जहां पर अपहरण, मारपीट व जबरन हस्ताक्षर करवाने का ये पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता, दुर्गा सिंह ने पूरा मामला दर्ज करवाया है। गुड़ा सहित पीए कृष्ण सिंह और अन्य के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज है। झुंझुनू के ककराना से है दुर्गा सिंह जिन्होंने पूरा मामला दर्ज करवाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर सिंह नीमका थाना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए, सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सहित तीन पर पूरा मामला जो है दर्ज करवाया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला, पहले जरा विस्तार से समझाइए और क्या कुछ अपडेट चल रहा है इस पूरे मामले पर अभी? जी, आयुषी, राजेंद्र सिंह गुड्डा के ऊपर सहित तीन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दुर्गा सिंह ककराना गांव का निवासी है, जो वार्ड पंच है गांव में, उसको लेकर के कई दिनों से मामला चल रहा था। लेकिन उसने कहा है, ये एंथोटिक बात अपन नहीं कह सकते कि उसने कोई जमीन का मामला बताया, कि उसने कहा है कि जमीन को लेकर के राजेंद्र गुड्डा ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है। लेकिन दुर्गा सिंह उर्फ गब्बर सिंह नीमका थाना में कई मामले ऐसे कर चुका है, इसको हम एंथोटिक नहीं मानते। लेकिन गब्बर सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया कि तीन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए हैं, निरापरण किया है, वहां जमीन को लेकर के कोई मामला था। लेकिन हम इसको नहीं कह सकते कि ये मामला सही है। जी जी शंकर, देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है, क्योंकि अपहरण, मारपीट व जबरन हस्ताक्षर करने का पूरा मामला दर्ज भी करवाया जा चुका है, प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? हाँ, प्रशासन ने जयपुर भेज दिया है इस मामले को, कि सीआईडी के द्वारा या मंत्री राजेंद्र गुड्डा से संपर्क किया है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। शंकर, जानना चाहेंगे कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो राजेंद्र सिंह गुड्डा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है अभी। बिल्कुल, तो अभी कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी नहीं, लेकिन ये मामला भी 99% ऐसा लगता है कि ये झूठा मामला है। राजेंद्र सिंह गुड्डा ऐसी कोई छोटी जमीन के ऊपर ऐसा कब्जा करने की नीयत से नहीं कर सकता। और जो गब्बर सिंह, दुर्गा सिंह उर्फ गब्बर सिंह जो है, ये कई जगह मामलों में ऐसे ही देख चुका है और कई लोगों की जमीन के बारे में एग्रीमेंट भी कर चुका है, और वो झूठा पाया गया है। शंकर, देखिए, 27 तारीख को पूरा मामला दर्ज करवाया गया था, तो देखिए क्या देखा जा सकता है कि आज 3 तारीख हो गई है, क्या इन दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पूरे मामले पर? नहीं, इस मामले में पूछताछ ही हुई है खाली, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इसका एंथोटिक भी तो माने ना कि ये जमीन कहाँ की है और किससे एग्रीमेंट करवाया गया है। राजेंद्र गुड्डा की ऐसी कोई छोटी जमीन के ऊपर ऐसी कोई नीयत नहीं बिगड़ सकती कि इतना बड़ा मामला कर सके, उसके साथ में मारपीट कर सके। अब बिल्कुल, देखिए शंकर, पर राजेंद्र गुड़ा के साथ में तीन और लोगों का नाम भी शामिल है, वो कौन कौन है जरा बताइए? एक कोई उनके साथ ही कोई पीए बता रहे हैं उनका, कि कृष्ण कोई एक और उनका कोई पीए है, और एक ड्राइवर के ऊपर बताया गया है कि उनके साथ एक ड्राइवर भी था। अजी शंकर, देखिए, साथ ही में देखिए बात करते हैं कि जब ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया तो क्या कोई दस्तावेज पेश किए गए हैं सबूत के तौर पर? अब ये मालूम थाने से जाकर के किया जाएगा कि सारी बातें क्या है, और गब्बर सिंह जो है उससे मिलकर के पूरी बात का विवरण दिया जाएगा, और जल्दी आपको उससे अवगत कराया जाएगा। अजी शंकर, देखिए, साथ ही में जानना चाहेंगे कि जब ये पूरा मामला, क्योंकि 27 तारीख को ये दर्ज हो चुका है, क्या दोनों पक्षों में से किसी की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? जी जी नहीं, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अजी शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, सीकर के नीमका थाना से ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सहित तीन पर ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया है, जहां वार्ड पंच का अपहरण,
मारपीट व जबरन हस्ताक्षर करवाने का ये पूरा मामला सामने आया है। और जैसे कि अभी हमारे संवाददाता ने भी शंकर ने हमको बातचीत में बताया कि अभी इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी कि मामला सही है या फिर गलत, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों ही पक्षों की तरफ से ना ही कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है और अभी तक पुलिस की तरफ से सिर्फ पूछताछ की जा रही है। हालांकि 27 जनवरी को ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस की तरफ से पुलिस पूछताछ की जा रही है, परंतु इस पूछताछ में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा दोषी हो सकते हैं या फिर नहीं। हालांकि देखिए, मारपीट, अपहरण और जबरन हस्ताक्षर का आरोप लगाया गया है, उनके साथ में 3 और लोगों का नाम भी जुड़ा है, पर अभी तक इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं हो पाई है कि मामला सही है या फिर नहीं।